हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। तो आज की रेसिपी है हमारी लौकी की खीर। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो लीजिए, हमारा पौष्टिक और हेल्दी लौकी का खीर तैयार है। तो देर किस बात का, आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी का खीर बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है: लौकी, दूध, चीनी, घी, इलायची, किशमिश, काजू, बादाम। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे। लौकी हम अच्छे से छील लेते हैं। लौकी हमें बिल्कुल ताज़ी चाहिए और जिसमें बीज नहीं होता है वो लौकी हमें चाहिए। तो देखिए, लौकी को हमने छील लिया है और इसे धो भी लिए। अब हम इसे एक ग्रेटर लेंगे और इसे अब हम ग्रेट कर लेते हैं। लौकी को हमें बिल्कुल बारीक करना है। तो देखिए, हमने इसे कद्दूकस से घिस लिया है। तो चलिए, अब हमने गैस पे एक पैन को चढ़ा दिया है और अब हम इसमें घी को डाल देते हैं। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें लौकी को डाल देते हैं। और लौकी को हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि इसमें जो है लौकी में पानी बहुत होता है, तो इसको अच्छे से हमें सुखा लेना है और इसे हल्का हल्का सॉफ्ट भी कर देंगे। लौकी को भूनने के टाइम गैस के फ्लेम को हमने यहाँ पे लो पे रखा है, ताकि हमारा जो लौकी है वो जले नहीं और इसे हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। लगातार चलाते हुए हम इसे भून रहे हैं, क्योंकि लौकी में रस बहुत होता है, इसीलिए हम इसे अच्छे से पहले भून लेंगे। एक बार आप लौकी का खीर बना के जरूर इस नवरात्रि में खाइए। लौकी का खीर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमने लौकी का खीर बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए, लौकी का कलर चेंज हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी नमी है, तो इसे हम अभी भी लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। अब हम इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो देखिए, 2 मिनट हो गया है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, लौकी हमारा भून चुका है, तो हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। नवरात्रि में सभी के मन में होता है कि क्या बनाएं, क्या खाएं, तो इस नवरात्रि में आप जरूर एक बार लौकी का खीर ट्राई करें। तो देखिए, अब हम इसमें दूध को डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से दूध और लौकी को पहले मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हम लौकी और दूध को मिक्स कर लेते हैं। लौकी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, दूध और लौकी हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे ढक देते हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, लौकी में अच्छे से दूध का उबाल आ रहा है। अब हम पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत टेस्टी ये खीर बनता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये लौकी का खीर है। बनने के बाद इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची के दाने को हमने क्रश कर लिया था और फिर हम इसे डाल दिए। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम लौकी को चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो लौकी है वो अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें चीनी को डाल देंगे और चीनी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और चीनी को भी हम मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए, हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिए हैं। चीनी हमारा मिक्स हो चुका है और मेल्ट भी हो गया है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं: बादाम, काजू और किशमिश। अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये खीर बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, तो इसे आप फटाफट से बना के आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी ये खीर बनता है। देखिए, हमारा खीर अब हो चुका है, तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो देखिए, खीर को हमने सर्व कर लिया है। तो अगर आपको हमारा लौकी का खीर बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।